हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट 5th है और इससे पहले हम 4 मॉक टेस्ट कवर कर चुके हैं। पिछले 4 मॉक टेस्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया है। आज अगर आपने पिछले मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप ये पिछले सारे मॉक टेस्ट देख सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा है, क्या धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है आपको कुछ टॉपिक्स पर मेहनत करने की ज़रूरत है। आज भी आप लोगों के सामने 25 क्वेश्चन होंगे और विद इन 15 मिनट्स हम इस टेस्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास 15 सेकंड होंगे, तो समझ के चलिएगा हमें 15 मिनट के अंदर ये 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 से 13 मिनट के अंदर हमें ये पेपर कर लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा वीडियो है, टाइम लगता है, तो 15 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको ये क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करूंगा। आप भी इन 15 मिनट के अंदर अपना जवाब देने की कोशिश करें। आपको अपना स्पीड भी बनाना है, इसलिए जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ें, ध्यान से ऑप्शन को देखें और उसके बाद तुरंत जवाब दें। कमेंट करते हुए जरूर चला करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नए जुड़ते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स पुराने हैं जो वीडियो डेली देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों, लाइक करोगे तो मैं सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। थोड़ा शेयर वेयर भी कर दिया करो, इससे मोटिवेशन मिलता है हमें भी और आप लोगों के लिए और मॉक टेस्ट बनाने की मुझे प्रिपरेशन भी मिलेगी। तो लाइक और शेयर करते रहा करो। चलो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट द लेजिस्लेचर इज रेस्पॉन्सिबल टू द जुडिशियरी, सेकेंड द एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, थर्ड द लेजिस्लेचर इज Responsible to the executive, or D, the judiciary is responsible to the legislature. Which is the correct answer? In a parliamentary form of government, and the correct answer is the executive is responsible to the legislature. Next question. Which of the following statements is correct about the President of India? हमारे राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, एड्रेस फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, सेकेंड एड्रेस इज फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, सी एड्रेस इज एवरी सेशन ऑफ पार्लियामेंट, डी नेवर एड्रेस इज पार्लियामेंट। विच इज द करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन, एड्रेस इज फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच of the following periodicals is not correctly matched with its editor? Vande Mataram Arbindo Ghosh, New India Bipin Chandra Pal, Yugantar Bhupendra Datta, and D Sandhya Barindra Ghosh. Which is not correctly matched? दोस्तों, मैं जो ये 10 मिनट का 10 सेकंड का आपको पोज दे रहा हूं ना, ये इसलिए है ताकि आप जल्दी से सोच के अपना आंसर डिसाइड करें और कमेंट करें, गलत हो या सही बताओ जरूर। एंड द करेक्ट आंसर इज संध्या बरिंदर घोष, जो है यहां पर गलत है। वंदे मातरम अरविंदा घोष बिल्कुल सही है, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पोल सही है, युगांतर भूपेंद्र दत्ता बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन, सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन बेसिल लीव्स, करी लीव्स, रोज लीव्स और मलबरी लीव्स, सिल्क वॉर्म्स, एंड द करेक्ट आंसर इज मलबरी लीव्स। क्वेश्चन नंबर 5th, Who among the following has been appointed the new coach of Indian cricket team by BCCI recently? And अभी अगर ये पूछा जाए तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जब ये पूछा गया था उस टाइम के लिहाज से इसको हम कर देते हैं। Who among the following has been appointed as the president of BCCI? अब ठीक है, Who has been appointed as the प्रेजिडेंट ऑफ BCCI? आप बताइए, चार ऑप्शन यही है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ BCCI, एंड द करेक्ट आंसर इज सौरव गांगुली। क्वेश्चन नंबर 6th, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम डाइकार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रॉन्गली? व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम डाइकार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रॉन्गली? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पेरोक्साइड या सोडियम मोनोक्साइड? सोडियम डिसकार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रॉन्गली एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम कार्बोनेट। बिल्कुल सही जवाब है, जो लोग ए बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7th, मिशन इंद्रधनुष अ प्रोग्राम
इंट्रोड्यूस रिसेंटली इन द कंट्री बाय द एनडीए गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू, तो यहां पर पूछा है मिशन इंद्रधनुष क्या है। फर्स्ट, सिस्टमैटिक इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट डिसीज। बी, प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवर टू फार्मर अगेंस्ट क्रॉप फेलियर। सी, डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज इन रूरल एरियाज। और डी, डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग इन हिली रीजन। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, सिस्टमैटिक इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट डिसीज, दैट इज मिशन इंद्रधनुष। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियंस हैज बीन ऑनर्ड बाई अ स्पेशल ऑस्कर। महेश भट्ट, सत्यजीत राय, मीरा नायर और जीपी सिप्पी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड बाई अ स्पेशल ऑस्कर, एंड द करेक्ट आंसर इज सत्यजीत राय। क्वेश्चन नंबर, या सत्यजीत रे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट सिचुएशन वुड रिजल्ट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द गवर्नमेंट रिवेन्यू ऑन करंट अकाउंट। डेफिसिट बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग या डी सरप्लस बजटिंग। व्हाट सिचुएशन वुड रिजल्ट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द गवर्नमेंट रिवेन्यू ऑन करंट अकाउंट, एंड द करेक्ट आंसर इज डेफिसिट बजटिंग। क्वेश्चन नंबर 10, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रूरल, फैक्ट्री और अर्बन। एंड द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, तो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गारंटेड बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या डी राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। एंड द करेक्ट आंसर इज राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल इज नॉट गारंटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, अगर आप मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फ्री वाले ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं, वहां से क्लिक करके आप फ्री ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी, जैसे आपको डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, आपको मिलेगा मटेरियल, आपको मिलेगी कुछ बुक्स पढ़ने के लिए, आप डेली क्विज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओनली इन 50 रुपीज। ओनली इन 50 रुपीज 4 महीने का मेंबरशिप होगा ग्रुप का 50 रुपए में। अगर 1 साल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पे करना होगा 120 रुपीज। 120 रुपीज में पूरा 1 साल का मेंबरशिप है और 50 रुपीज में 4 महीनों का। तो आप जो पसंद आए इस नंबर पर पेटीएम, फोन पे, गूगल पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ वाइड इनलेट ऑफ द सी यूजुअली कॉनकेव इन शेप इज टर्म्ड एज अ स्ट्रेट, साउंड, बे, फ्जॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 12th, अ वाइड इनलेट ऑफ द सी यूजुअली कॉनकेव इन शेप इज टर्म्ड एज अ, एंड द करेक्ट आंसर इज बे, सी बे इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13th, पंजाब हैज अ लार्ज नंबर ऑफ इनंडेशन कैनाल्स ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम। पंजाब हैज अ लार्ज नंबर ऑफ इनंडेशन कैनाल्स ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम, झेलम, चिनाब, ब्यास और सतलज। एंड द करेक्ट आंसर इज सतलज। क्वेश्चन नंबर 14th, द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ एस्परगिलस आर। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ एस्परगिलस आर स्पर्मेटियम एंड ओगोनियम, एंथ्रिडियम एंड ओगोनियम, स्पर्मेटियम एंड एस्कोगोनियम, एंथ्रिडियम एंड एस्कोगोनियम। बताइएगा द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ एस्परगिलस, एंड द करेक्ट आंसर इज एंथ्रिडियम एंड एस्कोगोनियम, एंथ्रिडियम एंड एस्कोगोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज they emit light of a constant intensity. B, their distance from the earth does not change with time. C, they are very far away from the earth resulting in decreased intensity of light. D, they are nearer to the earth and hence we receive a greater amount of light and therefore minor variation in intensity are not noticeable. And the correct answer is star twinkles but planets do not twinkle because
दे आर नियरर टू द अर्थ एंड हैंस वी रिसीव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट एंड देयरफॉर माइनर वेरिएशन इन इंटेंसिटी आर नॉट नोटिसिएबल. क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एक्स रेज. हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर, बी ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, सी कैन बी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, डी कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स. Which is not true about X-rays, and the correct answer is have low penetrating power because it has very high penetrating power. Next question: dash changes each time it is installed to avoid detection by antivirus software. Polymorphic virus, worm, logic bomb, Trojan horse, and the correct answer is polymorphic virus. Polymorphic virus change each time if it is installed to avoid detection by antivirus software. Question number 18. Which one of the following weeds is effective in controlling water pollution caused by industrial effluents? फिर से repeat करता हूँ. Which one of the following weeds is effective in controlling water pollution caused by industrial effluents? Parthenium, elephant grass, वोटर हिंग, मोजार ग्रास, एंड द करेक्ट आंसर इज पार्थेनियम. क्वेश्चन नंबर 19th, वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज वर्ल्ड बैंक. वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड बैंक, IMF, IBRD, WTO, IDA, एंड द करेक्ट आंसर इज IBRD. IBRD इज द करेक्ट आंसर. Next question, the book entitled Playing It My Way has been authored by Sachin Tendulkar, VVS Laxman, Sourav Ganguly, Chetan Chauhan. और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक का बटन दबा दें. देख लो यार, ऐसा मत किया करो, देख रहे हो ना, लाइक कर दो एक बार. Playing It My Way, and the correct answer is Sachin Tendulkar. Question number 21, which of the following is an example of cartel? OPEC, IMF, WTO, UNO, and the correct answer is OPEC. Would you please like to tell me full form of OPEC? Next question, Sulay's water is waste water released from kitchen, waste water released from toilets, waste water released from factories, or D, waste water released hospitals, and the correct answer is waste water released from kitchen. Question number 23, who was the first woman CM of Uttar Pradesh, first woman chief minister of Uttar Pradesh? Annie Besant, Mayawati, Vijayalakshmi Pandit, or Sucheta Kriplani? And the correct answer is Sucheta Kriplani. Question number 24, the most pure form of carbon among the options is anthracite, lamp black, graphite, wood charcoal. And the correct answer is anthracite is the most pure form of carbon. Question number 25th, Chalukya temples, jise hum Jain temples bhi bolte hain, at Dilwara are situated in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan or Haryana. Chalukya temples at Dilwara are situated in, and the correct answer is Rajasthan. Ab aap ye bataiye, aap logo ke liye maine English mein abhi tak 5 mock tests provide kiye hain. आप लोगों के लिए ये मॉक टेस्ट हेल्पफुल है या नहीं है? इफ यस तो प्लीज लाइक एंड शेयर, इफ नॉट देन मैं बंद कर देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको वो मिले जो आप चाहते हैं, वो नहीं जो मैं चाहता हूं. क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत हमें व्यूज के लिए भी देखना पड़ता है, क्योंकि मुझे तो पता ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो जीके का, जिनका वीक है और डायरेक्टली तैयारी करना चाहते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल मिले और वे क्वेश्चन मिले जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और मैं वही क्वेश्चंस पूछ रहा हूं जो एग्जाम में आए हैं. तो अगर आप मुझे पसंद करते हैं और चाहते हैं कि मेरी वीडियोस आते रहें, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ मिलकर शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं. और जो लोग नए जुड़े हैं आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको उसके तुरंत अपडेट्स मिलते रहें. तो ये वीडियो हमने विद इन
15 मिनट्स में कवर कर लिया है, तो हमारा स्पीड बहुत सही है। जबकि अगर आप पेपर में बैठोगे इसी स्पीड से, तब आप इसको 10 से 11 मिनट के बीच कवर कर लेंगे। तो हम बहुत सही जा रहे हैं, स्पीड पर भी काम हो रहा है, जीके भी प्रिपेयर हो रहा है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।